जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय सामाजिक गौरव सम्मान पुरस्कार समारोह 2024 का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड की ओर से सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता बोर्ड के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद पर अनिल चौधरी ने शपथ ली। बोर्ड संरक्षक नागमणि कुशवाहा की उपस्थिति में आयोजित समारोह में चौधरी ने कार्यभार ग्रहण किया। बेसिकली रूप से जो बोर्ड की विचारधारा है वो प्रेम करुणा मानवता अपनापन और जाति पात धर्म भेदभाव से परे होके हम लोग मानवता के लिए काम करें। सामाजिक न्याय विषय एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन न्याय के उपलक्ष्य में ज़्यादातर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक रूप से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा बोर्ड, हम घर घर जाके ऐसे युवाओं के लिए, वंचितों के लिए, जो शोषित महिलाएं हैं, ऐसे लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं और पूरे भारत देश में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आज से आपके राजस्थान प्रदेश में भी हम लोगों ने ये शुभारंभ कर दिया है, यहाँ के चेयरमैन को अपॉइंट किया है और राजस्थान में यहाँ न्याय से वंचित अब कोई नहीं रहेगा। किसी को भी कैसी भी समस्या है उसके लिए सामाजिक न्याय बोर्ड सदैव तत्पर है। बेसिकली देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा जो बोर्ड है उसका विशेष कार्य ये रहेगा कि हम जन जन तक जाके हमारे जो कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी रहेंगे वो महिलाओं तक, पुरुषों तक उनको अवेयरनेस दें, ताकि वो हमारे जो कानून की जो कानून व्यवस्था है उनको समझे और उनका आसानी से फ़ायदा उठा सके।